तो इस प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू अपन को प्रूव करनी है कि इस चीज के इक्वल होती है। तो देखते हैं इसको अपन कैसे कर सकते हैं। तो तुम ट्राई करो। तो बेसिकली अपन को इंटीग्रल कर रखा है 0 to 1, 0 to 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पे जिस तरीके से जो हमें चीजें दे रखी है तो तुम देख ही पा रहे होगे कि आप अपन पोलर कोऑर्डिनेट का यूज कर सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा रखेंगे, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखेंगे। यहाँ पे अपन थीटा 0 to π/4 के बीच में ले रहे हैं और आर की वैल्यू 0 to 1/cos θ के बीच में ले रहे हैं। तो वैसे ही इधर जो थीटा है वो यहाँ पे π/4 से π/2 के बीच में लेंगे और जो आर है 0 से 1/sin θ के बीच में लेंगे। तो तुम्हें पता है तो वाई एक्स भी यहाँ पर 0 to 1 वैरी कर रहा है, वाई भी 0 to 1 वैरी कर रहा है। तो अगर तुम थीटा इससे इसके बीच में लोगे और आर इससे इसके बीच में लोगे तो ये भी 0 to 1 के बीच में वैरी करेगा, वैसे ये भी 0 to 1 के बीच में वैरी करेगा। और जब अपन ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर उसमें उसमें dx dy निकालोगे तो वो आर डी आर डी थीटा के इक्वल आ जाता है। अब तुम अगर सब्स्टिट्यूट करो तो तुम्हारी इंटीग्रल कुछ इस तरीके से बन जाएगा 0 to π/4 एंड यहाँ पर अपने पास आ जाएगा दो पार्ट में इंटीग्रल की 0 to π/4 के बीच में जो अपना आर है वो 0 to 1/cos θ के बीच में वैरी करेगा और अंदर वाला पार्ट तो ये हो जाएगा एक्स की जगह आर कोस थीटा वाई की जगह आर साइन थीटा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह इस तरीके से आ जाएगा, डीएक्स डीवाई की जगह इस तरीके से आ जाएगा। जब अपना थीटा 0 to π/4 के बीच में वैरी कर रहा है तो आर 0 to 1/cos θ के बीच में वैरी कर रहा है और जब अपने थीटा π/4 से π/2 के बीच में वैरी कर रहा है तो जो अपना आर है वो 0 से 1/sin θ के बीच में वैरी कर रहा है। अंदर चीज वही आएगी। तो अभी दो इंटीग्रल है अपने पास। तो सिंपल है, पहले यहां पर विद रेस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट कर लेता है। तो 0 to π/4 ऐसे ही रखा, यहाँ पे आर की पावर 6 डी आर बनेगी एंड ये 0 to 1/cos θ है और बाकी की जो चीज है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इसको अलग कर लेता है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आर रेस टू पावर 7/7 आएगा 0 से 1/cos θ। सिंपल ही देखोगे तो ये 1/7 एंड या कॉस थीटा रेस टू पावर 7 आ जाएगा। इससे कैंसिल करोगे तो कॉस थीटा रेस टू पावर 5 बच जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे कॉस थीटा रेस टू पावर 5 बच गया और तुम्हारा इंटीग्रल है अभी 0 to π/4 डी थीटा प्लस। वैसे ही सेकंड देखोगे तो यहाँ पर भी सेम आएगा लेकिन अब की बार इस तरीके से आ जाएगा, ये ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा और नीचे यहाँ पे साइन थीटा रेस टू पावर 5 हो जाएगा डी थीटा। एंड यहाँ पर अब जो ये है π/4 से π/2 रहेगा। बेसिकली यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे सेम आर रेस टू पावर 7/7 आएगा 0 to 1/sin θ आएगा। पुट करोगे तो यहाँ पर 1/7 sin θ रेस टू पावर 7 आएगा। इससे इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर डिवाइड में 5 पावर बच जाएगी इस तरीके से। अब बेसिकली अगर तुम देखोगे तो 0 to π/4 के बीच में जो साइन थीटा का स्क्वायर होता है वो कैसे वेरी करता है, वो वैरी करता है यहाँ पर मतलब जो साइन थीटा होता है वो कैसे वैरी करता है 0 से 1/√2 के बीच में इस तरीके से वैरी करता है। और जो कॉस थीटा होता है वो वैरी करता है 1/√2 से 1 के बीच में इस तरीके से वैरी करेगा। वैसे ही अगर तुम देखोगे तो π/4 से π/2 के बीच में इधर कॉस थीटा है वो वैरी करेगा 0 से 1/√2 के बीच में और जो साइन थीटा है जो डिनोमिनेटर में है वो वैरी करेगा यहाँ पे 1/√2 से 1 के बीच में। तो ये बेसिकली अगर तुम देखोगे तो ये सिमेट्री है, इन दोनों में सेम टाइप के है तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली सेम ही है दोनों की वैल्यू। तो ये 2/7 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। और अब 0 से π/4 सिर्फ अपन को एक टाइप का इंटीग्रल निकालना है
अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब था कि ये जो इंटीग्रल है वो सेम है इसके जैसे ही, तो यहाँ पे मैंने कंबाइन कर दिया। अब बेसिकली इसको देखें तो ये 0 to π/4 टेन ऑफ थीटा का स्क्वायर एंड यहाँ पे सेक थीटा का क्यूब डी थीटा आएगा। अब बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, ये जो टेन ऑफ थीटा का स्क्वायर है तो मैं सेक ऑफ थीटा का स्क्वायर -1 कर सकता हूँ। ये इस तरीके से आ गया अपने पास। उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपने पास है इंटीग्रल 0 to π/4 sec थीटा रेस टू पावर 5 डी थीटा, ये वाला इंटीग्रल है अपने पास। तो यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास sec थीटा से रिलेटेड रिडक्शन फॉर्मूला है। मैं अपन को बोल रखा है कि sec x की पावर n दे रखी है, तो इसको तुम तो इस तरीके से लिख सकते हो इसके इंटीग्रेशन को। tan x यहाँ पे इसकी पावर 2 से रिड्यूस होगी डिवाइडेड बाय n -1 माइनस n -2 डिवाइडेड बाय n -1 एंड sec की पावर दिस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करता है। तो अपन को पावर यहाँ पे 5 दे रखी है। तो एक्चुअली में ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है वो इसमें करेक्ट है। ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है यहाँ पे प्लस का साइन आता है बीच में, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ये तुम अप्लाई कर सकते हो। और इधर ही अपना sec x का क्यूब डी एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका रिडक्शन फॉर्मूला तो तुम उसको अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, और तुम इसको प्रूव करने की भी कोशिश कर सकते हो यहाँ पर इसको। तो ये मैंने अप्लाई किया है। वैसे ही यहाँ पर अगेन जो sec x का क्यूब है उसके ऊपर अगेन तुम ये सेम रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और फिर वो सिंप्लीफाई होगा। और फिर तुम यहाँ पर जो वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। सो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।